जय हिंद। हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे क्या कि साइन नियम, कॉस नियम, भुजाओं तथा कोणों में संबंध और कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर एक, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोणों एबीसी की सम्मुख भुजाएं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हों तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी अपॉन साइन बी प्लस सी बराबर बी अपॉन ए। इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने हैं आपको। किस किस का मान दिया गया है? साइन बी अपॉन साइन बी प्लस सी बराबर स्मॉल बी अपॉन ए। तो यहां पर जो भी बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में बात हो रही है। और त्रिभुज के संबंध में आप एक थ्योरम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। और इससे आप कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये तो जानते हैं, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। यहां से बी प्लस सी की वैल्यू प्राप्त कर ली, कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी बराबर 180 माइनस ए। इक्वेशन नंबर एक सिद्ध करना है। सिद्ध करना है साइन, ऊपर तो लिखा है साइन बी अपॉन साइन बी प्लस सी बराबर बी अपॉन ए। लेफ्ट हैंड साइड साइन बी अपॉन साइन बी प्लस सी। यहां से देख लीजिए कैसे आपने पहचाना कि जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के बारे में ये तो जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। वहां से हम आवश्यकता अनुसार किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का या केवल ए का, जिसकी भी आवश्यकता पड़ेगी उसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ जो प्रूव करना है उसके अंतर्गत अगर देखें आप तो साइन बी अपॉन साइन बी प्लस सी, तो साइन बी तो क्लियर लिखा है। अब जब साइन बी क्लियर लिखा है, नीचे क्या लिखा है? बी प्लस सी। जबकि बी प्लस सी के रूप में आंसर नहीं चाहिए, आंसर किसके रूप में चाहिए? ए के रूप में, आंसर ए के रूप में चाहिए। तो निश्चित रूप से जो साइन बी प्लस सी लिखा है, बी प्लस सी को हमें चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए आप रूल जानते हैं, ट्रायंगल का, ट्रायंगल से जो थ्योरम प्राप्त होती है उस थ्योरम को लगा दिया। और यहां से चलिए एक बार फिर लिख लेते हैं, ऊपर तो लिख दिया साइन बी अपॉन, इसे क्या नोट कर सकते हैं? साइन 180 माइनस ए, साइन 180 माइनस ए, ऊपर तो रहेगा साइन बी अपॉन, साइन दूसरे चतुर्थांश में किसके होते हैं? प्लस के ही होते हैं, तो अपॉन में आ गए क्या? साइन ए। साइन बी की जगह आपने रख दिया बी के, और साइन ए की जगह रख दिया क्या? ए के, कैसे के तो कैंसिल हो जाएंगे। और क्या आंसर मिला आपको? बी अपॉन ए, राइट हैंड साइड। तो काफी सरल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ऊपर दिया गया साइन बी अपॉन साइन बी प्लस सी बराबर बी अपॉन ए, तो साइन बी की तो वैल्यू प्राप्त हो गई बी के, ए के, बी के, सी के, इस तरीके से नोट कराए थे हमने आपको। ये कहां से निकल के आते हैं? ये ए के बी के लिखने के लिए साइन रूल से। साइन नियम क्या है? साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी बराबर, आपने मान लिया कुछ कांस्टेंट माना के है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? ए के, साइन बी बराबर बी के, साइन सी बराबर सी के। तो वहीं से ए के, बी के, सी के रख दिया, तो साइन बी की जगह तो रख दिया बी के, और साइन ए की जगह रख दिया ए के, के से के कैंसिल हो गए, बी अपॉन ए। और यही सिद्ध करना था साइन बी, मतलब बी अपॉन ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो।
क्वेश्चन नंबर दो, किसी त्रिभुज में सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस साइन बी इज ग्रेटर देन साइन सी। तो इसमें भी कहा गया किसके बारे में बातचीत हो रही है, और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति के ये गुण चल रहे हैं, तो त्रिकोणमिति के गुणों से जो संबंधित है तो जो चर्चा होगी वो किस पर होगी, ट्रायंगल पर ही होगी। कभी कभी बाय चांस अगर ऐसा आ जाए, यहाँ तो सभी नोट है कि त्रिभुज 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 के बारे में बातचीत हो रही। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि त्रिभुज न दिया जाए और किसी तरीके से घुमा दिया कि उसकी भुजाएं ये हैं किसी आर्क की। तो किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस साइन बी इज ग्रेटर देन साइन सी। तो साइन नियम से साइन रूल से क्या हो जाएगा, साइन रूल से इसकी जगह क्या रख सकते हैं ए के, इसकी जगह क्या रख सकते हैं बी के, और इज ग्रेटर देन इसकी जगह क्या रख सकते हैं सी के। के सभी से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। और ये तभी संभव है जब त्रिभुज की पहचान क्या है, त्रिभुज की ऐसे लिख दिए कोई त्रिभुज तभी संभव है जब उसकी दो भुजाओं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो। त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो, तो इसके अनुसार अगर आप चाहेंगे तो इधर से भी उधर को जा सकते हैं और उधर से इधर इसकी डिटेन दे दी। इधर से इधर जाने के लिए क्या है, भाषा लिख ली सबसे पहले कि कोई त्रिभुज तभी संभव है जब उसकी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो, कि नहीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो। ऐसे में आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। तो दो छोटी भुजाओं का योगफल या किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब एक ही जगह क्या लिख लें, एक ही जगह आपने लिख लिया के साइन ए प्लस बी की जगह लिख लिया के साइन बी और इज ग्रेटर देन के साइन सी। के तो कॉमन निकल के कट जाएंगे, जब के कॉमन निकल के कट जाएंगे क्या बचेगा साइन ए प्लस साइन बी इज ग्रेटर देन साइन सी, और यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं या उधर से इधर आ सकते हैं, ठीक है यहां तक दोनों तरफ से इसे सॉल्व किया जा सकता है। क्यों, चूंकि त्रिभुज के बारे में बातचीत हो रही है तो सबसे पहले आप त्रिभुज का रूल लगा सकते हैं कि त्रिभुज का रूल क्या है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर इनका योगफल तीसरी भुजा के बराबर या उससे कम होगा तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है, तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है, समझ में आ गया। यदि किस त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर या उससे कम है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। त्रिभुज बनना कब संभव होगा, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो ये लिख के इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर दो बी बराबर 3 सी बराबर 4 प्रूव दैट कॉस ए इक्वल टू 7/8। आप देख रहे हैं जो सिद्ध करना है, उसके सिद्ध क्या करना है, कॉस ए बराबर 7/8। तीनों भुजाएं दी गई हैं, जब तीनों भुजाएं दी गई हैं तो कौन सा रूल लगाते हैं, कोसाइन फॉर्मूला, कॉस नियम लगाते हैं। साइन नियम के लिए आपको जानकारी है, साइन नियम कब लगाते हैं, जब त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उन्हीं के सम्मुख कोई एक कोण दिया हो तब लगाते हैं साइन नियम। यहाँ तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, जब तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो कौन सा नियम लगाएंगे, कॉस नियम लगाएंगे, और कॉस नियम में जो भी पूछा गया हो उसके अनुसार वही लगा के उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर, कॉस ए का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2bc बराबर कॉस ए बी का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 बी की जगह 3 सी की जगह 4। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 अपॉन 24। तो यहाँ से कितने आएंगे, 16 9 25 यानी 21 बटे में 24 कट जाएंगे, 3 से कितना आ गया 7/8, कॉस ए बराबर 7/8, और यही आपको सिद्ध करना है। तो ये तो सरल प्रश्न है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 3 बी बराबर 4 सी बराबर 5 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 2a का मान। तो जब साइन 2a का मान चाहिए तो पहले किसी एक का मान प्राप्त कीजिए। तो जब तीनों भुजाएं दी गई हैं, तीनों भुजाओं के मान दिए गए हैं, ए बराबर 3 बी बराबर 4 सी बराबर 5, इस तरीके से मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी निकाल लें, कॉस ए बराबर सूत्र बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो बी स्क्वायर का मान कितना होगा, 4 का वर्ग प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2bc। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 9 और नीचे कितने हो गए 40। तो ऊपर कितना आएगा, 25 और 16 41 माइनस के 9 अपॉन 40 कितना बचा ऊपर, 32/40 8 चौक 32 8 5 40 यानी जो कॉस ए का मान आया वो कितना आया, 4/5। कॉस ए का मान आ गया, मान चाहिए आपको किसका, साइन 2a का। तो साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2sin a इंटू cos a। एंगल तो प्राप्त हुआ नहीं, डायरेक्ट एंगल प्राप्त हो जाता तो डायरेक्ट a की जगह रख देते। अब cos a की वैल्यू प्राप्त हुई है 4/5, जब वैल्यू प्राप्त हुई है तो कॉस ए की सहायता से सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालेंगे, उसके बाद साइन 2a क्लियर होगा। तो सबसे पहले साइन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये तो सूत्र ही पता है, 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर 1 माइनस कितना आ जाएगा, 16/25 ले लिया लघुतम
25 माइनस 16 कितना आ गया, 9/25, 9/25 अर्थात साइन ए बराबर 3/5। साइन ए की वैल्यू प्राप्त हो गई, कितनी प्राप्त हो गई, 3/5। अब आपसे मान पूछा जा रहा है किसका, साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। साइन 2a का, साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 साइन ए का मान कितना है, 3/5, इंटू कॉस ए का मान कितना है, 4/5। टोटल कितने हो जाएंगे, 24/25, और दैट इज योर आंसर। साइन 2a की वैल्यू पूछी है तो साइन 2a का सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी त्रिकोणमिति जो भी हाई स्कूल में आपने सीखी है उसका भी यूज करना है। तो साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए कॉस ए की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, वहां से मान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव। यदि a बराबर 2, b बराबर, a बराबर 2, b बराबर √6, c बराबर √3+1, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। यहां भी देख रहे हैं जो तीनों दी गई हैं वो क्या दी गई हैं, भुजाएं, और तीनों जब भुजाएं दी हों तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस नियम लगा के कॉस एक ए एंगल निकालिए, तो ए एंगल कैसे निकलेगा, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बी का मान क्या है, √6 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी है, √3+1 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2। बी का मान √6 और सी का मान कितना है, √3+1। इसे केवल सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, ये कितने हो जाएंगे, 6, ये a धन b का होल स्क्वायर, तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab माइनस 4, 2√6, यहाँ कितना आया, √3+1, ऊपर कितने हो जाएंगे, रियल नंबर जोड़ दीजिए अलग अलग जो रियल हैं, तो 6, 4, 10, 10 में से 4 यानी 6 बचेंगे, 6 प्लस 2√3 अपॉन में क्या लिखा है, 2√6√3+1, ऊपर से 2 कॉमन आ गए और दोनों में कॉमन क्या है, √3 और कॉमन है, तो पहले देख लीजिए, पहले 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 3 प्लस √3, समझ में आना चाहिए, ये आ कहां से गए हैं, इसलिए चलिए √3+1, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर से √3 फिर से कॉमन आ जाएंगे, तो √3 कॉमन आने के बाद बचा गया √3+1 अपॉन √6 कोष्टक √3+1, ये तो कैंसिल हो गए, और इनसे ये कट जाएंगे, कितने बार कट जाएंगे, √2 बार, तो कितना आएगा, 1/√2, और कॉस में 1/√2 मान किसका होता है, cos 45 डिग्री, तो एंगल ए का मान आ गया 45 डिग्री, और यही पूछा गया था, रहा आंसर 45 डिग्री। तो समझ में आ गया होगा, रूट के हिसाब से थोड़ा स्क्वायर स्क्वायर करने में प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा,
कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी कभी आप डायरेक्ट लिख देते हो थ्री प्लस वन, ये अर्थात ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर खोलने जा रहे हैं तो ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ए वर्ग धन बी वर्ग धन टू ए बी तो आएंगे, तो टू ए बी वाला पार्ट पता नहीं कहाँ गायब कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हो, जबकि ए धन बी का होल स्क्वायर, ए रेड बी का होल स्क्वायर, ये फाइव और फोर्थ क्लास में आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, फिर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में ही खुलेगा वो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यदि ए बराबर 14 बी बराबर 22 कोण बी बराबर 30 हो तो त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर 14 बी बराबर 22 और साइन नहीं एंगल बी बराबर 30 डिग्री, एंगल ए का मान ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ दो भुजाएं दी गई हैं और एक कोण दिया गया है, अगर दो भुजाएं दी जाएं उनके बीच का कोण दिया जाए, दो भुजाएं तथा उनके ठीक बीच का कोण दिया जाए तब तो कॉस फॉर्मूला लगाते हैं, और जब दो भुजाएं तथा उन्हीं भुजाओं के सम्मुख एक कोण दिया जाए तब साइन फॉर्मूला लगाते हैं। तो बी भुजा दी गई है और बी ही कोण दिया गया है, जब उसी भुजा का वही कोण दिया जाता है तो क्या लगता है, साइन फॉर्मूला। अब पहली बार इसमें लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, साइन फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे इसे, लिखें बाई साइन फॉर्मूला। साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी, साइन ए अपॉन स्मॉल ए का मान कितना है 14, साइन बी का मान कितना है 30 डिग्री अपॉन बी का मान 22। इसे हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए बराबर 14 गुणित 1/2, दो से तो ये कट जाएंगे 7 बार, और इधर से ये अपॉन में पहुंचेंगे 7/22, 7/22 ये आया मान, ए का मान था 14, बी का मान कितना था 22, तो कितना आ गया 7/22। पूछा क्या है, एंगल ए का मान, तो जब एंगल ए का मान पूछा है क्लियर हुआ नहीं तो आप इस तरीके से उसका जवाब देंगे, साइन इनवर्स 7/22, साइन इनवर्स 7/22। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, किसी त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 2 बी बराबर 3, ए बराबर 2 बी बराबर 3, साइन ए बराबर 2/3, तो एंगल बी का मान ज्ञात कीजिए, एंगल बी का मान ज्ञात कीजिए बाई साइन रूल, साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया
ए साइन बी बराबर बी साइन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए साइन बी बराबर बी साइन ए, इनके जो वैल्यू है वो पुटअप कीजिए। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, ए का मान कितना है 2, साइन बी बी एंगल तो ज्ञात ही करना है, बी स्मॉल बी का मान कितना है 3, साइन ए का मान कितना है 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, साइन बी बराबर 2/2, ये उधर से जाएंगे एक बार, साइन बी बराबर 1, साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है साइन 90 डिग्री, तो एंगल बी का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, एंगल दिए गए हैं तीनों, उनकी भुजाओं की निष्पत्ति कीजिए। एंगल दिए गए हैं किसकी, भुजाओं की निष्पत्ति कीजिए। तो भुजाओं की निष्पत्ति के लिए हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे इससे पहले वाले वीडियो में, तो वहां से आप आसानी से कर सकते हैं। मान भी बताया था कि 75 का मान कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे भुजाओं की निष्पत्ति पूछी है, क्या क्या दिया गया है। एंगल ए बराबर 45 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 75 डिग्री, साइन नियम से साइन नियम कैसे लगाएंगे, ए बटे साइन ए बराबर, कैसा भी लिख सकते हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका, चाहे साइन ए बटे ए लिख दिया, चाहे ए बटे साइन ए लिख दिया, साइन सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी, साइन ए का मान कितना है 45 डिग्री अनुपात साइन बी का मान 60 डिग्री अनुपात साइन सी का मान 75 डिग्री, 1/√2 अनुपात, √3/2 अनुपात, √3+1/√2, 2√2 का सभी में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 की वैल्यू बता चुके हैं हम आपको कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से 75 की वैल्यू आप प्राप्त करके इसे काफी आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ए बराबर 9, बी बराबर 8, सी बराबर 4, सिद्ध करना है cos b माइनस 2 cos c माइनस 4/3 लेफ्ट हैंड साइड। आप जानते हैं जब तीनों भुजाओं का मान दिया गया है, जब तीनों भुजाएं दी गई हैं तो हमेशा क्या आप cos नियम लगाते हैं, और इसमें क्या है आपको cos नियम लगा के सॉल्व करना है, तो cos नियम क्या लगेगा, यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca माइनस 2 कोष्टक, यहाँ क्या लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, सॉल्व करना है बस। कीजिए सॉल्व इसे, तो डायरेक्ट वर्क करके रख दे रहे हैं, c का मान कितना 16 हो जाएगा, प्लस ए का मान कितना हो जाएगा 81 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 64 अपॉन 2, सी की जगह 4, ए की जगह कितना आएगा 9।
माइनस टू कोष्टक, ए का वर्ग कितना होगा 81, बी का वर्ग कितना होगा 64, सी का वर्ग 16, बटे में 2, ए की जगह 9, बी की जगह 8। चलिए इनसे तो ये काट दिए चार, इनसे ये वाले दो से दो काट दिए। अब यहाँ पर देखते हैं कितना बचा है, छियानवे हो गए, 97 माइनस 64 बटे में 72 माइनस, यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितने बनेंगे, ये 5, 145 माइनस 16 बटे में 72। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है 72, इनमें से ये घटाइए 1 और 3 31 माइनस, इनमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, 2 और 1। अब इसमें से ये घटा लो क्योंकि वो माइनस के है ना, तो क्या आएगा 8 आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 9 अपॉन 72, ये माइनस के हैं। कहीं घटाना में तो प्रॉब्लम नहीं हो गई है, घटाना ठीक से, ये कितने आए हैं 33 आएंगे जब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा 96, ये कट जाएंगे 4 बार, ये कट जाएंगे 3 बार, माइनस आंसर आ गया 4/3 राइट हैंड साइड, दैट इज योर आंसर। वीडियो का टाइम ओवर हो रहा है इसलिए लास्ट क्वेश्चन जो बचा है क्वेश्चन नंबर 10 उसे हम देख लेते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि ये कॉलेज के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, तो कॉलेज में जो समय होता है वो पीरियड कितने का, आध घंटे का रखा गया है, जब 30 मिनट का रखा गया तो उन्होंने कहा 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सवाल पूरा करने में, लेकिन ज़्यादा समय इससे नहीं होना चाहिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।